सो हेलो गाइस, नमस्ते इंडिया। तो क्या हाल है भाई लोग आपके? उम्मीद करता हूँ आप सब घर पर अच्छे से ही हैं और बढ़िया से रह रहे होंगे। तो गाइस, मैं फिर से आ गया आपके लिए और एक टॉपिक लेके। सो गाइस, आज का जो टॉपिक है ना, वो मतलब आप सुन के खुश हो जाओगे। तो गाइस, आज का जो टॉपिक है वो ये है कि अफगानिस्तान जो पीपल है, जो लोग है अफगानिस्तान के, वो जो अफगानिस्तान में जो एम्बेसी थी ना पाकिस्तान की, वहाँ पर हमला कर दिया था और मतलब 5-6 लोगों को तो जख्मी भी कर दिया पाकिस्तानी जो पोर की एम्बेसी में जो लोग थे। क्योंकि भाई हमारे अफगानिस्तानी भाइयों को ये मतलब पता चल चुका है कि कौन उनका असली फ्रेंड है, इंडिया या फिर पाकिस्तान। अफगानिस्तान के अंदर तो छोड़ो, पाकिस्तान के जो बॉर्डर है ना, वहाँ पर भी जो अफगानिस्तान के पीपल है ना, वो उधर पोर की जो आर्मी है उन्हें दौड़ा दौड़ा कर मार रही है। तो भाई इसी आवर से चलिए देखते हैं पाकिस्तान की जाहिल जनता है इस पर क्या रिव्यू देती है और फिर हम अपना रिव्यू देंगे। तो चलिए भाई बिना देरी के वीडियो को भी स्टार्ट करते हैं। लेकिन भाई वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि भाई अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ यार गाइस, प्लीज़ चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए, एक लाइक कर दीजिए और एक कमेंट कर दीजिए, जिससे भाई मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है आगे आपके लिए वीडियो लाने के लिए। तो प्लीज़ यार गाइस जरूर से कर देना। चलिए भाई बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जय हिंद। ये अफगानिस्तान जो है ना, ये शुरू से ही मुनाफिक है। ये सब ज़ियाउल्लाह की पॉलिसी है, उसने हमें ये बीमारी चमोड़ दी है, हैं? उन्होंने हमें ये कलाशनकोफ और दहशतगर्दी का तोहफा दिया है। और तीसरा काम यह किया कि कालाबाग डैम इतना मशहूर डैम था, उसको ख़त्म किया है। तो ये 25 साल हो गए हैं हम ये सजा भुगत रहे हैं, ये बीमारी हमें चमड़ी हुई है। अगर हम देखें अफगानिस्तानी लोग, जो अफगानिस्तान कहा जाता है कट्टर मुसलमान है, अगर हम देखें तो हम मुसलमान मुसलमान का दुश्मन बना हुआ है भाई। वो मुनाफिक है, मैंने पहले कहा वो पाकिस्तान के शुरू से ही दुश्मन है। तो मुसलमानी मुनाफिक कैसे हो सकते हैं? मुसलमानी एक तरफ छोड़ दें, ये मुनाफिक हैं, शुरू से ही मुनाफिक हैं। देखे ना, हमने उनकी हर तरह मदद की है, कनक बेचते हैं, इंजीनियर बेचते हैं, तरक्याती काम वहाँ कर रहे हैं, उसके बदले में वो हमें क्या तोहफा दे रहा है? कलाशनकोफ दे रहा है, दहशतगर्दी दे रहा है, धमाके कर रहा है। इंडिया और पाकिस्तान की दो जंगें हुई हैं, इतना नुकसान हमें इंडिया ने नहीं पहुँचाया जितना ये अफगानिस्तान ने पहुँचा दिया हमें। इतनी फोर्स मार दी है, इतना दो जंगों में हमारा नुकसान नहीं है। हम देखें ना तो तालिबान और अफगानिस्तान का हमने हमेशा साथ दिया, लेकिन उन्होंने बैकएंड पे हम लोगों को हमेशा रखा। अगर हम इंडिया, बिल्कुल अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया को उन्होंने हमेशा प्रेफरेंस दिया है। इवन अगर अभी हम देखें तो इंडिया के कितने प्रोजेक्ट अफगानिस्तान में स्टार्ट होने वाले हैं, क्या लगता है वो इंडिया को इतनी प्रेफरेंस क्यों दे रहे हैं? भाई यही वजह है कि वो इसके शुरू से ही दुश्मन हैं, उनको प्रेफर दे रहे हैं और इतने प्रोजेक्ट काम कर रहे हैं, जो उन्होंने कहना है तो वैसे ही उन्होंने। ये भाई पाकिस्तानी को सही है, अगर तू मेरे साइड है तो तू मेरा भाई है, तू मुसलमान है, तू अच्छा है, और अगर तू मेरे साइड नहीं है तो तू मुनाफिर है। साला तुम्हारी इसी सोच के वजह से ना आज अफगानिस्तानी बॉर्डर के ऊपर तुम्हारी पाकिस्तानी आर्मी के धो रही है। साला इतुसा कंट्री है लेकिन हर जगह अपनी टांग घुसेड़ता रहता है। अफगानिस्तान के खिलाफ अमेरिका को तुम पाकिस्तानियों ने हेल्प किया था, ये मुनाफिकत नहीं है? कुछ चंद पैसों के लिए तुम सब कुछ भूल गए। अब जब अफगान तुम्हें ठोक रहे हैं, तुम्हारी आर्मी को ठोक रही है, तो अब तुम्हारी क्यों गांड फट रही है? बिल्कुल फटनी नहीं चाहिए। वो तो बताया कि पहले भी इस तरह के, इसको 100 साल भी यही सोचा है और आगे भी नेक्स्ट यही सोच रहेगी, उनके लिए आगे भी ऐसे रहेगा और पीछे भी ऐसे ही है। सर अगर हम देखें तो अफगानिस्तान ने हमें बहुत बाद में तस्लीम किया था, वो तस्लीम ही नहीं करते थे पाकिस्तान को। इवन अगर हम देखें तो अभी भी उनका कहना है कि पाकिस्तान का कटर तक जो एरिया है वो हमारा है, उसकी वजह से वो जंग पर आ जाते हैं। क्या लगता है कि हम लोगों का पाकिस्तान जो है वो तो पाकिस्तान का ही है, लेकिन वो कटर तक क्यों कहते हैं कि हमारा एरिया है? वो कहते हैं ना कि हमारा अटक टिकर है, बाकी उनके लिए यही चीज़ है कि जैसा भी कहेंगे ना वो उनके लिए रफ ही होगा उसके लिए। क्या लगता है कि अगर हम देखें तो हमेशा तालिबान ने, हमेशा अफगानिस्तान ने इंडिया को प्रेफरेंस दिया है, इंडिया के बहुत से प्रोजेक्ट्स है, क्या ये रीज़न है? इंडिया एक बहुत बड़ी इकोनॉमी है, क्या ये रीज़न है या कोई बेनिफिट्स हैं आपस में, क्या ताल्लुक है इनके? इंडिया शुरू से उनको सपोर्ट करता है ना इसी चीज़ों के लिए, उनके लिए असला उसला हर चीज़ों के लिए करता है, तो ये चीज़ें उनको ज़्यादा लाइक करती हैं इसके लिए, और पाकिस्तान जरा इससे प्रेस करता है। अरे भाई ये पागल वागल हो गया है क्या? इंडिया कब से अफगानिस्तान को असला बारूद भेजने लगा है? उधर तालिबान की हुकूमत है जिसे इंडिया अभी तक नहीं मानती, इसलिए अभी तक अफगानिस्तान में जो इंडिया का एम्बेसी है वो अभी तक नहीं खोला गया। इंडिया सिर्फ उधर जो अफगानी पीपल है उन्हें हेल्प कर रहा है और अफगानिस्तान का इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक कर रहा है, ताकि उधर हमारे जो अफगानी भाई है वो भी थोड़ा खुश रह सके। तो भाई कैमरा देख के चूतियों की तरह कुछ भी मत बोलो। असल में दुनिया का इन्वायरमेंटल ऐसे माहौल में आ चुका है
कि अफगानिस्तान आज़ाद तो हो गया है लेकिन उनके जो पैसे हैं वो अमेरिका के बैंकों में अभी तक क्लोज हैं। जो वाकया पेश हुआ है कि अहमद यार गुलबदीन उनके ऊपर जो अटैक हुआ, अल्लाह ताला ने उनको तो महफूज कर लिया है लेकिन वो ये बहुत बुरा हमला है। कल अगर हम देखें ना तो आपने कहा है कि पाकिस्तान मतलब उनका अमेरिका के अंदर सारे पैसे हैं, अगर हम देखें अमेरिका से हट के इंडिया को वो प्रेफरेंस देते हैं, इंडिया के लिए हमेशा वो स्टैंड ले लेते हैं, इवन के मैचेस में भी हम अक्सर देखते हैं कि वो इंडिया को सपोर्ट कर रहे होते हैं, क्या लगता है कि इंडिया इकोनॉमिकल स्ट्रॉन्ग है इसी वजह से या कुछ और रीजन है? नहीं, ये बात नहीं है। इंडिया ने अफ़गानिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा मेहनत की है लेकिन जब पाकिस्तान के लोग वहाँ पर जाकर मेहनत करते हैं तो उनको अजीबोगरीब नाम, दहशतगर्द का नाम दिया जाता है। और आजकल भी अमेरिका ने जो चार लोगों को वहाँ पर दहशतगर्द करार दिया है तो इस तरह से वहाँ का माहौल जो है ना वो बेहतर नहीं है, उनको आज़ादी नहीं है, अभी उनके ऊपर कंट्रोल है, अभी उनके पास इतने ज़्यादा पैसे नहीं आए लेकिन जो उनका निज़ाम है वो जो करना चाहते हैं कुरान और हदीस के मुताबिक वो अभी कर नहीं पाए। आखिरी सवाल सर मेरा ये है कि अगर हम बांग्लादेश की भी बात करें, वो भी एक मुस्लिम कंट्री है, बांग्लादेश ने भी ये कह दिया कि हम पाकिस्तान का नहीं इंडिया का सिविलाइजेशन का पार्ट हैं, इसके अलावा सऊदी अरेबिया, टर्की वगैरह, टर्की में 3 दफ़ा ट्रेंड चला गटलोर्स पाकिस्तानी, सऊदी अरेबिया के मोहम्मद बिन सलमान ने यहाँ दौरा कैंसिल करके कहा कि भाई इंडिया और ऑस्ट्रेलिया जाऊँगा, क्या आपको लगता है कि अगर हम इन सारी UAE की देखें ना दुबई वगैरह में तो इन सारी कंट्रीज़ का ना ज़्यादा इंडिया के साथ ट्रेड, इंडिया के साथ रिलेशनशिप अच्छे हो गया है लेकिन मुस्लिम कंट्री होने के बावजूद पाकिस्तान को क्यों बैकेंड कर रही है? इसकी वजह यह है कि ये जो निज़ाम है कारोबारी निज़ाम, तिजारत का एक निज़ाम है, इंडिया बहुत बड़ा मुल्क है, इंडिया बहुत बड़ी मार्केट है तो वो तमाम लोग जो है ना आजकल दोस्ती कम ट्रेड ज़्यादा करते हैं, वो उसी मुल्क की तरफ बढ़ते हैं जिसमें ट्रेड ज़्यादा हो, जिन मुनाफा हो, और ये जो बाकी की बातें वो बाद में आती हैं, ट्रेड और तिजारत वो पहले आती है। तो आपको नहीं लगता कि हम लोगों को भी अपने मेड इन पाकिस्तान को प्रमोट करना चाहिए जिससे लोग हमारी तरफ रिजू करें? ये बिल्कुल आपकी बात सही है कि हमें पाकिस्तान पे फोकस करना चाहिए और इसकी तरक्की के लिए जो हमें काम करने चाहिए वो ही हमें अपने आइन और कानून के अंदर लाने चाहिए। बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। तो भाई वीडियो हो गया यहाँ पर ख़त्म। और भाई ये पाकिस्तान हमेशा इसी ख्याल में रह जाएंगे कि मुस्लिम कंट्री होने के बाद भी क्यों कोई कंट्री इन्हें भाव नहीं देता, कुछ अच्छा काम करोगे तभी तो साला तुम्हें कोई अप्रिशिएट करेगा, तुम्हें तो बॉम्ब बांधने से फुर्सत नहीं, तुम साला अच्छा काम कहाँ से करोगे? क्या बढ़िया था गुरु। भाई सच बोलूँ ना, मुस्लिम कंट्री के नाम पे पाकिस्तान एक धप्पा है जो कि कोई भी मुस्लिम कंट्री अपने सर पर नहीं लगाना चाहता इंडिया के खिलाफ जाके। तो भाई अफगान इसी तरह इन पोर्कियों पर अटैक करते रहेंगे, इनकी जी आन मारते रहेंगे। और आप भाई मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि मैं भी इसी तरह आपके लिए वीडियो लाता रहूंगा। सो दैट्स इट गाइस, ये था आज का वीडियो। और भाई कमेंट करके जरूर बताना कि भाई ये वीडियो आपको कैसी लगी और मतलब आप खुश हुए कि नहीं, मतलब अफगानिस्तान के जो पीपल है वो पोर्कियों पर कैसा मतलब बिहेव कर रहा है, कितनी इंडियन खुश थी इस बात से, जरूर भाई कमेंट करके बताएगा। मैं मिलता हूँ आपसे जल्दी एक नेक्स्ट टॉपिक लेके, एक न्यू सा वीडियो लेके आपको एंटरटेनमेंट करने के लिए। तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद, वंदे मातरम। भाई वैसे तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही वाले न्यूज़ सुन के, मतलब जय हिंद बोलने के बाद फिर मैं फिर से बोलने लगा, तो भाई मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तो भाई आप भी जरूर कमेंट करके बताएगा। तो अभी मैं चलता हूँ, दो बार बोल दिया, जय हिंद।